Welcome to the new episode of Coffee at Kayakalp. Today we are having Mr. Neeraj Sharma. आज हमारे साथ हैं जो कि गायनोकोमेस्टिया प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे. उनकी उम्र जो है अभी 16 साल है और इन्होंने ये गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम जो है 13 ईयर ऑफ एज, माने जब उनकी उम्र 13 साल की थी तब उन्होंने ये अपने आप ही नोट करी थी. तो मेडिकली जब मैंने इनको एग्जामिन किया था तो ही वॉज हैविंग अ ट्यूबरस ब्रेस्ट. तो ट्यूबरस ब्रेस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि बेस डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है. तो लाइक अ कोन, कोन की तरह ये ब्रेस्ट का शेप हो जाता है. तो ही वॉज हैविंग अ गायनोकोमेस्टिया बट विद अ ट्यूबरस ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी. तो व्हाट आई प्लान्ड आउट, लाइपोसेक्शन एंड ग्लैंड एक्सिशन प्लस स्किन टाइटनिंग. बट एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही एंड हिज पेरेंट्स सेड कि लेट अस सी हाउ द स्किन इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड अकॉर्डिंगली लेटर ऑन वी कैन डू अ मॉर्फियस एड फॉर स्किन टाइटनिंग. तो नीरज, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपसे कि आपको ये कब पता लगा और आपने क्या क्या चीजें नोट करी या क्या क्या दिक्कतें फेस करी इस गायनोकोमेस्टिया के बारे में. तो मैं जब 13 इयर्स एज था मेरा, तब मैं मतलब उस समय मैं बहुत हेल्दी था, बहुत ही मोटा था. तो उस समय मेरा कितना वजन होगा? मेरा 13 में तो कभी नोट नहीं किया, लेकिन जब मैं 14 इयर्स एज था मेरा, मैं जस्ट 14 हुआ ही था, तो तब मेरा वेट था 89.7 kg. बहुत ज्यादा था इसका मतलब. हाँ, बहुत ही ज्यादा था. और हाइट भी उतना कोई खास नहीं था, तो सरकमफेरेंस तो बहुत ही बड़ा लगता था. हाँ, तो फिर मैं 14 इयर्स एज से मतलब ऐसे तो मैं दौड़ने नहीं आता था, मेरे पेरेंट्स भी फोर्स करते थे, पर कभी वो मन नहीं था कि खुद का मन नहीं होगा तो मतलब ऐसे खराब रहता था. हाँ, ऐसे उस समय क्या था कि एज मेरा 89.7 था, तो हम लोग को सबको लगता था कि ये एक बॉडी फैट है. ओके, एज मतलब जैसे क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल बॉडी फैट था तो हम लोग को लगा था कि अगर सब एक साथ कमेगा तो वो भी कमेगा. और उस समय तक मैं गायनोकोमेस्टिया क्या होता है उसके बारे में कोई नॉलेज था भी नहीं. तो मैं ऐसे 13 इयर्स एज का था जब था, तो मैं ऐसे दौड़ने वोड़ने आता था, कुछ भी करता, लेकिन मन नहीं था मतलब ऐसे कोई. पर मैं जब 14 का हुआ तब मैं थोड़ा बहुत कॉन्शियस होने लगा अपना हेल्थ को लेके. तो तब मैं फिगर आउट किया, तब मैं जिम ज्वाइन किया. तो स्टार्टिंग का भी कुछ मंथ उतना सीरियसली मैं जिम किया नहीं, पर बाद में फिर मैं अच्छा से जिम किया. तो मेरे को पहले जो गलत फहमी था कि मतलब लगता था ऐसा कि बॉडी फैट है, तो मैं जिम किया तो मेरा लगभग 89.7 मतलब 90 मतलब उससे मेरा टोटल रेंज में 20 केजीज में डाउन किया. मतलब 20 किलो आपने वजन कम कर लिया जिम कर कितने दिन में? ये मेरा 5 to 6 months का स्पैन था. अच्छा, 5 to 6 months का स्पैन में एकदम प्रॉपर डाइट फॉलो करके, प्रॉपर जिम विम करके, एकदम अच्छा से मन से, तो मेरा उस समय वेट था 69 point कितना था याद नहीं, मतलब 70 पकड़ते हैं, तो मेरा 20 केजी का स्किन में कम हुआ. तो मैं नोटिस किया कि बहुत सा जगह से मेरा फैट तो लॉस हुआ है, पर चेस्ट एरिया में फैट था वो तो लॉस हुआ, लेकिन फिर भी मतलब वो प्लेन नहीं हुआ, मतलब फ्लैट नहीं हुआ, मतलब वो तो मतलब ठीक नहीं था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है. तो फिर मैं आस्ते आस्ते इसको लेके रिसर्च करने लगा कि हाउ टू बर्न चेस्ट फैट. मतलब मेरा एक थ्योरी था उस समय कि मतलब टारगेट करके उस जगह को टारगेट करके फैट लॉस, तो स्पॉट फैट रिडक्शन तो कभी होता नहीं है. फिर भी वो चीज मैं लेके सर्च किया यूट्यूब में, तो मेरे को इस टर्म का पता चला कि चेस्ट फैट और गायनोकोमेस्टिया. तो मैं फिर वो गायनोकोमेस्टिया नया चीज था, तो उसके बारे में जाना. तो उसके बाद में और डेप्थ में रिसर्च किया. तो हम लोग एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर अपोलो बोस, तो मैं उनके पास एक दिन गया. तो मैं उनको पूछा कि ये मेरा गायनोकोमेस्टिया है कि नहीं है, और तो भी मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन उनसे लेने के लिए मैं उधर गया था. तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ है, और उन्होंने उसी समय क्योंकि मेरा क्लास 10 था, तो उन्होंने कहा था कि एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके टाइम रहेगा तो तब करवा लेना. और उसी समय उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया था कि आई नो हिम, डॉक्टर वी एस राठौड़, तो आप अगर करवाओगे, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो आप करवाओगे तो उनके पास मतलब देखना उनको, वो बहुत बढ़िया ऐसे सर्जरी करते हैं. तो फिर सितंबर का मंथ था, तो मैं और मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों ने कंसल्ट किया अपने में, और ये डिसीजन लिया कि
अगर जरूरत पड़ा मतलब सर्जरी तो बाद में करवाएंगे अगर टाइम को मैच करके, पर एक बार कंसल्ट कर लेना टू अ प्रोफेशनल जो कि इनके बारे में पूरा एकदम ओवरऑल जानते हैं, वो बढ़िया होगा। तो हम इधर आए, हमने कंसल्ट किया आपसे, तो हम लोगों ने जाना और ऐसे मतलब था सर्जरी टर्म यूज होता है तो मतलब ऐसा लगता कि बहुत समय के लिए ब्रेस्ट लेना पड़ेगा, होती जाएगा, इसलिए ये थिंकिंग था कि क्लास 10 के बाद करेंगे। लेकिन हम लोग ने जब जाना कि बहुत लंबा कुछ है नहीं, एक दिन में सर्जरी हो जाता है, मैक्सिमम रिकवर 7 दिन या फिर जो भी है मतलब जो उतना है। तो फिर हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि एज सून एज पॉसिबल हम ये कर लेते हैं, क्योंकि उस समय स्कूल का भी प्रेशर नहीं था, थोड़ा लॉकडाउन वॉकडाउन का था, तो हम लोगों ने उसी समय करवा लिया अपना सर्जरी। नीरज मैं एक दो बात बताऊंगा, एक दो बात एकदम सही है। देखो नीरज ने 20 किलो अपना वजन कम किया, 20 किलो कम वजन करना कोई हंसी खेल नहीं है। ही हैज डन लॉट ऑफ डाइट, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, लॉट ऑफ जिम। 5 से 6 महीने के अंदर ये 90 से 70 आ गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि गायनेकोवेस्टिया एक बार डेवलप हो जाता है, चाहे अब कितनी भी एक्सरसाइज करो, कितनी भी जिम करो, कितनी भी डाइटिंग करो, कोई भी मेडिसिन लो, ये एक बार डेवलप हो गया तो ये नहीं जाएगा। भले ही उसमें से फैट कम हो जाएगा लेकिन ग्लैंड हमेशा रह जाएगा। इसलिए गायनेकोवेस्टिया का एक ही इलाज है, लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिशन, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। दूसरी चीज जो है कि जो मेरे क्लिनिक का यूएसपी है कि आप अगर जैसे आपको बताया मैंने कि मैं पूरा लोकल एनेस्थीसिया में करता हूँ, यानी आप आए थे कराया और तुरंत का तुरंत घर चले गए, सब देख पा रहे थे, गाने सुने आपने, बातचीत करी, सब कुछ अच्छा एनवायरमेंट लगा आपको। और सेकंड जो बताया कि मैं एक्सिलरी पोर्ट यूज करता हूँ, जिस कारण से क्या होता है जो नॉर्मल जो अपने जो आर्मपिट है उसके अंदर क्रीज में स्कार आता है तो वो पता नहीं लगता है, तो नॉर्मल रह जाता है। और निपल एरोला के नीचे जो कट करते हैं वो लाइट कलर और डार्क कलर स्किन के जंक्शन पे हम लोग कट करते हैं, जिससे क्या है वो भी नॉर्मल अपीयरेंस रहता है। तो कहने का मतलब ये इट इज एन स्कारलेस प्रोसीजर, टोटल अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इमीडिएटली ऑपरेशन में खुद आप एग्जामिन कर लीजिए कि सर यहाँ पे कुछ अनइवन रह गया, तो अगर कुछ रह जाता है तो हम तुरंत का तुरंत ही करेक्ट कर देते हैं। ये एक इसका एडवांटेज है लोकल एनेस्थीसिया में करने का। और इमीडिएटली घर चले जाइए, प्रेशर गारमेंट पहनिए और अगले दिन से ही सब काम कीजिए, एक्सेप्ट जो मैं बोलता हूं कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज 7 डेज नहीं करनी चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। यूजली मैं 7 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाता हूं और प्रेशर गारमेंट 3 वीक्स मस्ट मस्ट मस्ट। तो जैसा कि आप, मैंने नीरज को भी एग्जामिन किया था, इनका स्किन कॉन्ट्रेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। एंड मैं अभी बोलूंगा कि वी शुड वेट फॉर अनदर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये और कॉन्ट्रेक्शन होगा, उसके बाद यदि मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली जो मॉर्फियस है वो करूंगा, अदरवाइज देर इज नो नीड टू डू। सो नीरज, आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर, क्योंकि एक गायनेकोमिस्ट एक ऐसा प्रॉब्लम है कि टीनेज के समय में बहुत इनसिक्योरिटी हो जाता है, जब आपका ऐसा रहता है आपको लगता है कि ये ऑड है, एक चीज खटकता है, तो आप सोशलाइज नहीं होना चाहते, मिलना नहीं चाहते ज्यादा, आप अपने चॉइस का ड्रेस नहीं पहन पाते एकदम, क्योंकि उस समय मतलब एक अनइवन सा फीलिंग आ जाता है, और उसके साथ जो समाज है या फिर जो भी है, तो इस एज में क्या है कि फिर आपको टॉन्टिंग, बुलिंग ये सब चीज। अब मैं अपने लिए बोलूंगा कि मैं स्ट्रांग था उस तरीके से, देखा जाए तो तुम सिर्फ 16 के हो लेकिन नीरज तुम बात बहुत मैच्योर कर रहे हो। He is talking really very maturely, क्योंकि तुमने रिसर्च एक तो अच्छी तरह से की है और तुम खुद जाने हो इसके बारे में और खुद रिड्यूस करके देख लिए, प्रैक्टिकल करके देख लिए कि इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फैट रिड्यूस होता है, ग्लैंड कैसे रिड्यूस, ग्लैंड रिड्यूस नहीं होता, तो हटाना ही पड़ेगा उसको ऐसे। और एक चीज क्या होती है नीरज, जो है जिनको गाइडेंस, दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। आपका टैलेंट रहता है फिर भी अगर आपको 5 जन के सामने, सिर्फ 5 ही जन, बहुत ज्यादा नहीं, उनके सामने भी खड़ा होकर स्पीच देना है तब भी एक तो डर आ जाता है। और स्कूल है उस समय, तो मतलब अब सोच लीजिए अगर मैं अभी नहीं करवाता, जैसे मेरा क्लास 10 खत्म हुआ तो मैं अगर दूसरा स्कूल में भर्ती हूँ, तो मेरा तो स्कूल में जान पहचान का दोस्त लोग का सब था, नया स्कूल में कौन है उस समय, तो वो ज्यादा और बुलिंग करेंगे, ना मैं टीचर को जानता ना कुछ। और तो एक आप भी क्या है कि जब अपना वेट लॉस करता है तो एक ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, मेंटल अपीयरेंस चेंज होता है, एक आदमी का मेंटेलिटी बहुत बड़ा स्किल में चेंज होता है।
कॉन्फिडेंस एक स्पाइक आ जाता है, मतलब एक अलग ही लेवल पे होता है कॉन्फिडेंस। और फिर जब ये आपको पता चला, अगर ये आपका ठीक हो जाता है, अब तो आप एकदम फिट, तो एकदम कॉन्फिडेंस तो मतलब बहुत सही है। और ऐसा कोई डर भी नहीं, अब सोशलाइज तो मैं पहले से होता था, बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना पहले से होता था, चाहे लोग ना बोले, पर खुद को तो खटकता था। और सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबको तो लोग बोलते भी है, उन लोगों को रिप्लाई देना नहीं आता है। फिर मैं तो वर्कआउट भी कर रहा था ना, मेरे को तो पता था, मैं खुद सेटिस्फाइड था कि अगर मेरे को कोई इसके लिए बोल भी रहा है तो मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ कमाने के लिए। पर जो भी है, मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं था, जितना मेरे हाथ में था उतना मैंने किया, एकदम ठीक। उसके बाद फिर प्रोफेशनल्स है, वो अपना काम करेंगे एकदम। इसलिए नीरज बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी जो तुमने, मैं तो बोलूंगा कि बहुत कम उम्र में तुमको ये जो एक्सपीरियंस हो गया गायनेकोमेस्ट्री का, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके तुमने देख लिया एंड अल्टीमेटली यू डिसाइडेड यस कि सर्जरी इज द ओनली आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू वंस अगेन नीरज, और फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।